How to start IBMAC prep as a commerce or humanities student? बहुत ही difficult question है, बहुत ही unfair advantage है to science and JEE preparing students in IBMAT examination. तुम शायद समझ ही सकते हो, दो sections जो हैं, that is quants and logical reasoning. Quants जो होता है, उसके साथ एक बहुत ही unfair advantage मिलता है PCM students, so वो continuously touch में है of maths. हो सकता है तुमने 10th के बाद maths को touch भी नहीं किया हो, क्योंकि तुमने play commerce ले लिया है, या फिर तुमने humanities ले लिया है, तो तुम्हारे लिए हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो इन कंपैरिजन टू अदर एस्पिरेंट्स. बट ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि तुम क्रैक नहीं कर सकते हो. क्रैक तुम 100% कर सकते हो इस एग्जाम को बहुत ही इजीली. तो तुम्हें क्या करना है बीइंग अ कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, ये मैं तुम्हें 2-3 स्टेप्स में बताता हूँ. तुम बहुत अच्छे से बहुत आराम से सुनना, और ये वीडियो बिल्कुल भी साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. तो अब अप्रॉक्सीमेटली रिमेनिंग है फॉर IBMAT 2025, और तुम बहुत ही ज्यादा एस्पायरिंग हो IBMAT के लिए. तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम क्लास 8, 9th एंड 10th की इन तीनों बुक्स को बाय कर लो मार्केट से, या तुम्हारे पास है तो बहुत ही अच्छी चीज है. और इनके सारे बेसिक, सारे क्वेश्चन, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, मतलब बिल्कुल क्रेजीली पढ़ लो. तुम्हें इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि इसमें से अगर कुछ भी आता है तो तुम्हें 100% बन जाएगा. तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट समझ जाए, तुम्हें ये सारी चीजें जो भी इसमें दी हुई है, अब इससे रिलेटेड कुछ भी मैं कहीं से भी दे दूं तुम्हें, तो तुम्हें बनना चाहिए. तुम्हें इस लेवल पे पढ़ लेना है, और इस चीज को तुम्हें कंप्लीट करना है इन द नेक्स्ट 1 month, कि तुम्हारे पास नेक्स्ट 9 months का फेज बचे बाकी सारी चीजों को करने के लिए. अच्छा, यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि लॉजिकल एंड इंग्लिश या वर्बल एबिलिटी सफर करना चाहिए इस प्रोसेस में. ये सिर्फ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे. तो तब तक के लिए तुम सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्वांट में तो तुम्हें फर्स्ट मंथ में सिर्फ इतना ही करने की जरूरत है आज के डेट पे. और मेक श्योर करो कि तुम आज से इस चीज को, इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दे रहे हो, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा. अगर तुम कुछ दिन बाद स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन कम हो चुका होगा. नेक्स्ट स्टेप इज कि तुम्हें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को चेकआउट करना है. जब तुम उन्हें चेक करोगे तो तुम्हें उसमें स्पेसिफिकली अभी ध्यान रखे करना है कि तुम कौन सेक्शन को देख रहे हो. हो सकता है तुम्हें बहुत डरावना लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि मैं गलत करियर ऑप्शन तो नहीं चूज कर रहा हूँ, क्या मैं IBMAT क्रैक कर पाऊंगा, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा. बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आएंगे. उन सारे क्वेश्चन क्वेरीज को बिल्कुल भूल जाना कुछ देर के लिए, और सिर्फ उसे एनालाइज करना कि तुम उसमें क्या कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो, किस चीज में तुम्हें डिफिकल्टी हो रही है, किस चीज में डिफिकल्टी नहीं हो रही है. तुम उन्हें एक बार अगर अच्छे से स्कैन कर लोगे अगले 1 महीने में, तुम्हें वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. और इंपॉर्टेंटली तुम्हें ये पता चल जाएगा कि क्या चीज कितना वेटेज रख रही है, और वेटेज के लिए तुम इस चीज को स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो जो तुम्हारे सामने है. इससे तुम्हें लास्ट 3-4 साल का जो भी एक एनालिसिस है बेसिक IBMAT का, कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए, ये सारी चीज तुम्हें दिख रही होगी. इसके बाद तुम्हें एक और स्टेप कर लेना है, एंड दैट इज बाकी चीजों को क्वांट में कवर करना एंड प्रैक्टिस करना. प्रैक्टिस के लिए एक चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज मॉक्स. मॉक्स कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं, क्या करना है, तो तुम्हें मैं सारी चीजें बहुत ही ऑनेस्टली रेकमेंड करने वाले होंगे तुम्हें कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है. तो तुम्हें कब बाय करना है, क्या बाय करना है, मैं तुम्हें बता दूंगा. और अभी के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे सामने कुछ बुक्स दिख रही होंगी, और इन बुक्स को तुम्हें बाय करना है. तुरंत करने की जरूरत नहीं, 15-20 डेज के बाद कर सकते हो, एक बार प्रेप को अच्छे से पहले स्टार्ट कर लो. तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन. तुम्हें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तुम कमेंट्स में डाल दो, मैं 110% आंसर करूंगा तुम्हें. एंड नेक्स्ट वीडियो में इसका एक फॉलो अप हम लोग लेके आते हैं, कि उसमें बात करेंगे कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, और इसको और ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे हम अपने फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेपरेशन को.